पंचों पुराणों को बच्चों को पाठ्यक्रमों के साथ में कैसे शामिल किया जाएगा, इसके बारे में कुछ बताइए। अब मैं जब गुजरात मुख्यमंत्री था, मैंने बच्चों को एक काम दिया था। मैंने कहा भाई बताओ, आपके गांव में सबसे पुराना वृक्ष कौन सा है, पेड़ कौन सा है, ट्री कौन सा है। जाओ गांव के अगल बगल में जरा घूमो। सो सारी स्कूल जाती थी, टीचर जाते थे, कोई कहता था ये हो सकता है 50 साल पुराना होगा, कोई कहता है ये 100 साल पुराना होगा, कोई कहता नहीं है। फिर वो गांव के बुजुर्गों को पूछते थे, तो फिर वो आइडेंटिफाई करते थे, मन बनाते थे, चलो भाई इन्होंने बोला इसको हम ओल्डेस्ट। तो मैंने कहा गांव वालों को पता होना चाहिए कि हमारे गांव का ये ओल्डेस्ट ट्री है। फिर मैंने उनको कहा कि आप उस ट्री की आत्मकथा लिखो, और आप हैरान हो जाएंगे, कुछ बच्चों ने इतना बढ़िया लिखा था। अब ये चीजें हैं उसको जोड़ती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पत्थरों उसे बनी हुई चीजों में ही हमारे पंच प्राण है। हमारा सामर्थ्य हर जगह पे पड़ा हुआ है, हम उसे जोड़े, उसका गर्व करने के लिए सिखाए। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गांव में एक सोशल पॉलिटिकल ऐसे एक वर्कर थे, वो स्कूल में कभी आकर के कहते थे हम लोगों को कि भाई तुम लोग आते हो जाते हो, कहीं कोई पत्थर मिले अगर उसमें कुछ लिखा हुआ हो, आपको लगता है इसमें कोई नकाशी हुई थी कभी, टूटा फूटा पत्थर है, पता नहीं चल रहा है नाक का हिस्सा है कि कान का हिस्सा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बस आप लेकर के आइए स्कूल में। और एक कोना बनाया था स्कूल में, वो डाल दिए सब लोग। धीरे धीरे करके वो इतने ढेर हो गया बड़ा, लेकिन उस सब में कोई ना कोई वो चीज थी जो कोई 2000 साल पुरानी होगी, कोई 2500 साल पुरानी होगी। बच्चों को तो इतना ही मालूम था, बड़े किसी व्यक्ति ने कहा है पत्थर ले आओ तो वो लेके आते थे, हम भी ले जाके जाते थे, और कभी कभी तो ढूंढते रहते थे यार देखो कोई मिलता है क्या, लेकिन वो बाद में जाके विरासत बन गया।